वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप सबके लिए ये वीडियो हिंदी में डाल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ये गुरुद्वारा दमदमा साहब है जो कि निज़ामुद्दीन पे है, निज़ामुद्दीन स्टेशन के बिल्कुल साथ है गुरुद्वारा दमदमा साहिब। यहाँ पे उन लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा चलाई जा रही है, जो लोग घरों में बीमार हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है और हम उनको यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। गुरुद्वारा बाला साहिब, माफ चाहता हूँ, गुरुद्वारा दमदमा साहिब जो कि निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है गुरुद्वारा दमदमा साहिब, ये उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। और पेशेंट जो यहाँ पे आ रहे हैं उन सब की वो गाड़ियों में हैं, जिस तरह से भी उनको ट्रीटमेंट उनका होना हो पा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, ये हमारे वॉलंटियर्स बहुत हिम्मत करके जिन जिन को ऑक्सीजन की जरूरत है उनको गाड़ियों में भी उनका उनकी पल्स उनकी ऑक्सीजन ये सारी जो मानवता की सेवा है ये सारे वॉलंटियर्स दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के। ये गुरुद्वारा दमदमा साहिब, मैं फिर से आपको बता दूं ये गुरुद्वारा दमदमा साहिब है और ये उसके बाहर निरंतर ये सेवा चल रही है। जिन पेशेंट्स को भी जरूरत हो ऑक्सीजन की वो यहाँ पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। कंडीशन क्या है कि किसी भी पेशेंट की 70% से कम 75% से कम ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 75% वाले को हॉस्पिटल की जरूरत है। ये इस तरह से जगह जगह पे पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए। जिसकी 75% तक ऑक्सीजन है वो यहाँ पे गुरुद्वारा दमदमा साहब निज़ामुद्दीन स्टेशन के बिल्कुल साथ में आकर ये सेवा प्राप्त कर सकता है। ये सेवा निरंतर चलेगी और आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में इसको 100-बेड हॉस्पिटल के रूप में प्रॉपर ऑक्सीजन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि काम यहाँ पे आज हमने शुरू कर दिया। तो अगले हफ्ते से जो भी किसी परिवार को जरूरत होगी वो भी 100-बेड के अंदर हॉस्पिटल में हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको ये जानकारी देना है। हाँ, ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक अभी मुस्लिम परिवार जो कि कई दिन से ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे थे, दूसरे दिन यार यहाँ पे आज लेके गए और ये अपने घर से एक गुल्लक छोड़कर गए हैं। इसमें जो पैसे हमें पता नहीं क्या हैं, लेकिन उनकी भावना आप देखो कैसी भावना है। डोंट ब्रेक एमरजेंसी, डू गुड विद मनी, यू कैन डू इट। ये एक परिवार, अभी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी अभी देखे गया है जिस परिवार को जरूरत थी, और सेवा के बाद मैं सबको ये विनती करता हूँ जो भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड कर सके, जो हमें मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हो और जो वॉलंटियर्स हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ। मैं फिर से आपको बता दूं ये गुरुद्वारा बाला साहिब है, माफी चाहता हूँ दमदमा साहब, ये मैं आपको पीछे दिखा दूं, ये गुरुद्वारा दमदमा साहिब है जो कि नज़दीक है निज़ामुद्दीन के, बिल्कुल निज़ामुद्दीन स्टेशन के नज़दीक है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने परिवारों के लिए जिसका 75 तक की ऑक्सीजन है, मैं फिर कह दूं 75 तक की, कुछ नहीं नेगेटिव, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वैसे गुरुद्वारे में खड़े हो, घबराना नहीं है, गुरुद्वारे में वैसे ही खड़े हो आप, हैं? नहीं थैंक्स की कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ये गुरुद्वारे की कृपा होगी आप पे, ठीक हो ना, घबराना नहीं है, गुरुद्वारे में खड़े हो, गुरुद्वारे की कृपा होगी, बिल्कुल घबराना नहीं है, परमात्मा आपको बिल्कुल ठीक करके भेजेगा। आप कोई भी यहां पे आ सकते हैं और अपनी ऑक्सीजन की सेवा लंगर के रूप में ले सकते हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की निरंतर यहां से सेवा चलेगी। और ठीक हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को लगता है आप वीडियो जरूर शेयर करेंगे ताकि जिसको जरूरत हो वो गुरुद्वारा दमदमा साहिब के बाहर निज़ामुद्दीन पर पहुंच सकता है और ये सेवा ले सकता है। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।